पुष्कर का अर्थ है हिरण्यगर्भ कमल, अर्थात स्वर्ण अंडे से युक्त कमल। इसीलिए पुष्कर को आदि प्रारंभिक तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण जगत में ब्रह्मा जी का केवल ये एकमात्र मंदिर है। श्री ब्रह्म पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों का गुरु माना जाता है। पुष्कर तीर्थ राजस्थान के मध्य में अजमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। पुष्कर तीर्थ तीन ओर से अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये स्थान समुद्र तल से 1580 फुट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अलौकिक है। चुंबकीय आकर्षण लिए हुए सात्विक परमाणुओं का ऐसा भंडार है जिसमें विदेशी पर्यटक और श्रद्धालुगण खींचे चले आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से जयपुर, अजमेर से सीधी बस सेवा है। श्रद्धालुगण निजी वाहनों से भी यहां पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शनों की अभिलाषा मनमोहन मुस्कान बिखेरती हुई श्रद्धालु भक्तजनों को आकर्षित करती रहती है। ऊंटों को राजस्थान का जहाज कहा जाता है। श्रद्धालुगण ऊंटों से ऊंट बोगी से भी यहां पर आते हैं, जो राजस्थान की परंपरागत शैली का प्रतीक है। पुष्कर तीर्थ का सबसे महत्वपूर्ण आशीष दाता ये सरोवर है, जिसे ब्रह्म सरोवर कहते हैं। जैसे समुद्र के समान कोई जलाशय नहीं, वैसे ही पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य, देवी सभी देवगण जगत का हित करने के लिए सदा ब्रह्मा जी के साथ यहां निवास करते हैं। यहां के दर्शन, पूजन, स्नान से सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता युग में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक जो भक्त जिस फल को पाते थे, कलयुग में वो फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। ये बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य जी से स्वयं कही थी। इस तीर्थ का परिमाण लंबाई 2.5 योजन, 10 कोस, चौड़ाई 0.5 योजन अर्थात 2 कोस है। यहाँ की अरावली पर्वत की श्रृंखला वन, सरोवर, मंदिर सदा पूजनीय है। इस तीर्थ में जगत के रचनाकर्ता स्वयं ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं। पुष्कर वन का सेवन करते हुए जो प्राणी शरीर पूरा करते हैं, वे परम गति पाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। पुष्कर सरोवर में यात्रियों के स्नान के लिए 52 घाट बने हैं, जिसमें ब्रह्म घाट, गौ घाट एवं वराह घाट हैं, जहां प्रातः एवं सायंकाल पुष्कर राज की आरती, श्रृंगार, स्तुति, भजन आदि होते हैं। गौ घाट पर भादौ शुक्ल पक्ष की एकादशी को सभी मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को स्नान अभिषेक कराने के लिए लाया जाता है। प्रत्येक एकादशी को गौ घाट पर भजन कीर्तन होता है। इसी घाट पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1762 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया। ब्रह्म घाट ब्रह्मा जी का मुख्य घाट है। यहां पर आदि शंकराचार्य एवं महामंडलेश्वरों ने स्नान पूजा की मंदिर बनवाए। यहां स्नान आचमन करने से मानव का अंतःकरण शुद्ध होकर ब्रह्म तत्व के ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। वराह घाट पर चैत्र मास में
भगवान वेंकटेश एवं वेणु गोपाल जी की पूजा अभिषेक विशेष पर्वों पर किया जाता है। यहाँ पर स्नान करने से अंतःकरण पवित्र होता है, भक्ति भाव जागृत होता है, मन को अपार शांति अनुभव होती है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जगत रचयिता ब्रह्मा जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं के तीर्थ स्थान तो हैं, पर हमारा कोई नहीं है। तभी आकाशवाणी से स्वस्ति हो का उत्तम उच्चारण हुआ और ब्रह्मा जी के हाथ से एक कमल पृथ्वी पर इसी जगह गिरा, फिर उछलकर दूसरी जगह गिरा, फिर उछलकर तीसरी जगह गिरा। इस प्रकार तीनों जगह स्वच्छ जल का प्रादुर्भाव हुआ, जो संसार में पुष्कर नाम से विख्यात हुआ। ऐसा पावन पवित्र पूजित जल विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा, जिसमें स्नान से यज्ञ के समान आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो स्वर्ग मोक्ष धर्म देने वाला है, जो आवागमन की यात्रा को रोककर पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाता है। इन घाटों पर स्नान करने के पश्चात श्रद्धालुगण परिक्रमा करते हैं, हृदय में अपार श्रद्धा लिए भक्तगण मुस्कान सहित परिक्रमा का आनंद अनुभव करते हैं। स्वयं को यहाँ के दर्शन पाकर धन्य समझते हैं। बच्चे रंग बिरंगी पोशाक से सुसज्जित नारियां राजस्थानी शैली की पगड़ी बांधे हुए भक्तगणों का एक समूह एक अलौकिक आनंद का अनुभव कराता है। धन्य है ब्रह्मा जी का पावन स्थान, जहां विश्व नतमस्तक होता है। घाट के पास भगवान विष्णु जी का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान विष्णु का वराह अर्थात शूकर का अवतार ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ है। यहां भगवान वराह का स्वयं प्रकट विग्रह रूप है। दशवीं शताब्दी में रुद्रादित्य ब्राह्मण ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यवन आक्रमण में मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ। वर्तमान किले नुमा मंदिर का जीर्णोद्धार राणा प्रताप के भाई ने करवाया। सरोवर के बीच में यज्ञ वेदी है। साधु गणों के दर्शन से स्वर्ग समान दृश्यों का दर्शन होता है। ब्रह्मा जी की पत्नी माता सावित्री हैं। आदि समय में ब्रह्मा जी ने यहां पर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके साथ लोकपालक भगवान विष्णु जी भी बैठे हुए थे। यज्ञ की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। सभी ऋषिगण देवी देवता अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। शुभ मुहूर्त व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा, अपनी माता सावित्री को यज्ञ स्थान पर बुलाकर लाओ। तब नारद जी माता सावित्री के पास आए और कहा, पिताजी ने आपको यज्ञ में बुलाया है, कृपया आप सज धज कर सहेलियों के साथ यज्ञ स्थल पर आए, जिससे आपकी शोभा बढ़े। किसी कारण सावित्री का आगमन समय पर ना हो सका। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, यज्ञ का शुभ मुहूर्त व्यतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने इंद्र से कहा, तुरंत सुंदर कन्या की व्यवस्था करो। इंद्र ने पुष्कर वन में एक कन्या को देखा, जिसके सिर पर छाछ व दही के घड़े रखे थे। उसे पकड़कर विमान से ब्रह्मा जी के पास ले आए। देवताओं के कहने पर कन्या को गाय के मुख में डालकर पूंछ की तरफ से निकाला। इस उज्जवल गोप कन्या को ब्रह्मा जी ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर यज्ञ वेदी पर अपने साथ बिठाया। यही देवी
गायत्री के नाम से विख्यात हुई। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो स्वर्गीय पिता दशरथ की ओर से वे विचलित थे। राम अत्रि मुनि के आश्रम गए और उनसे पूछा, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा तीर्थ है जहां जाकर मानव को अपने बंधुओं की वियोग का दुख उठाना नहीं पड़ता। अत्रि मुनि ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित पुष्कर तीर्थ है, आप वहीं जाकर अपने पिता को पिंडदान से तृप्त करो। राम लक्ष्मण और जानकी सहित पुष्कर आए, तभी वहां मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी भी शिष्यों के साथ वहां आए। राम से पिता का यहां 1 मास तक रहे और पिता का श्राद्ध भी किया। तब से पुष्कर तीर्थ का महत्व और भी बढ़ गया। पुष्कर में पिंडदान करने वाले प्राणी को अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। यहां पर एक बाजार है जिसमें श्रद्धालुगण आवश्यक खरीदारी करते हैं। यहां पर स्वदेशी दर्शकों के साथ विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में दिखाई देते हैं। विदेशों में भी इस मंदिर की महत्ता है। इसके दर्शन पूजन से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। निज मंडप में चांदी के सिक्के चढ़े हुए हैं। यहां पद्मासन में विराजमान ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है जो उनकी चारों मुद्राएं दर्शाती है। पास में वेद माता गायत्री विराजमान है। ब्रह्मा जी का वाहन राजहंस है। सुरपति इंद्र और धनपति कुबेर ब्रह्मा जी के द्वारपाल हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा होने का उल्लेख मिलता है। यहां पर आकर भक्तगण मन्नतें मांगते हैं। पुजारी भक्तों को चरणामृत का प्रसाद देकर कृतार्थ करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो गई। दोनों बोले, हम एक दूसरे से बड़े हैं। तब भगवान शिव ने एक प्रकाश पुंज शिवलिंग की स्थापना की। जाओ दोनों इसके मूल का पता लगाओ। विष्णु जी अनुमान लगाने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि मैं कुछ साक्षियों को लेकर शिव के पास जाऊं तो निश्चय ही जीत हमारी होगी। ऐसा होने पर शिव ने कहा, ब्रह्मा जी तुमने असत्य का सहारा लिया है, इसलिए पुष्कर के अतिरिक्त आपकी कहीं और पूजा नहीं होगी। तभी तो इस तीर्थ स्थल पर भक्तगणों का सदा तांता लगा रहता है। परिक्रमा करते करते मन पावन और अति प्रसन्न होता है। मन में भक्ति भाव जागृत होकर भगवान ब्रह्मा जी के प्रति अपार श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है। मानव मुक्ति पथ की यात्रा पर चल निकलता है। रामानुज संप्रदाय की दक्षिण शैली का
ये भव्य मंदिर है जिसे मग्नी राम बांगड़ ने बनवाया। विग्रह स्वरूप में यहाँ पर विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ये महाकाली का मंदिर है। राक्षसों का नाश करने के लिए जगत जननी महामाया महाकाली का अवतार धारण करती है। महाकाली की लाल जीभ रक्त बीज राक्षस के रक्तपान का प्रतीक है। पुराना रंगनाथ मंदिर है, इसे वेणुगोपाल मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी, गोदम्बा जी की पवित्र प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया था। ये सब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से संभव हो पाया था। अरावली श्रृंखला के शिखर पर सावित्री माता का मंदिर है। जब सच सवर कर माता सावित्री यज्ञ वेदी पर आईं, तो पति देव ब्रह्मा जी के संग गायत्री को देख वो क्रोधित हो गईं। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए पुष्कर के अलावा आपकी कहीं भी दूसरी जगह पूजा नहीं होगी। सावित्री माता ने इंद्र को भी श्राप दिया कि तुम सदा कामी बने रहोगे, युद्ध में तुम्हारी कभी जीत नहीं होगी,
सदा डर कर रहोगे। भगवान विष्णु को भी श्राप दिया, आप भी नर तन धारण करोगे और आपकी पत्नी का रावण हरण करेगा। भगवान शिव को भी श्राप दिया, आप सदा मृतक भस्म रमाओगे, भूत प्रेत सदा आपके साथ रहेंगे। ब्राह्मणों को भी श्राप दिया, तुम सदा भिक्षा मांग कर ही जीवन यापन करोगे। गाय को भी श्राप दिया, तुमने गायत्री को मुख से पवित्र किया, इसलिए तुम्हारा मुख सदा अपवित्र रहेगा। पवन को भी श्राप दिया, तुमने सबको आमंत्रित किया, इसलिए तुमसे भी दुर्गंध आएगी। ऐसा श्राप देकर वो पर्वत के ऊंचे शिखर पर जा बैठी। ब्रह्मा जी ने विनती की, आपको क्रोध शोभा नहीं देता, गायत्री सदा आपकी दासी रहेगी। श्राप की मुक्ति के लिए गायत्री माता ने कहा, ब्राह्मणों, हमारी पूजा और गायत्री मंत्र से तुम्हें सदा यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु से कहा, आप त्रेता युग में राक्षस रावण का वध कर जब सीता जी को लाओगे, तब आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव से कहा, आपके लिंग पर भस्म चढ़ेगी और सब आपकी पूजा करेंगे। इंद्र से कहा, जब कोई आपका राज छीन लेगा तो भगवान शिव और भगवान विष्णु सदा आपकी सहायता करेंगे। गाय से कहा, तुम्हारा मूत्र और गोबर भी लाभकारी होंगे, तुम सदा पूजनीय रहोगी। ब्रह्मा जी से कहा, जो पुष्कर तीर्थ में स्नान करके आपके दर्शन करेगा, उसे चारों धामों की यात्रा से भी बड़ा फल प्राप्त होगा। इसके पश्चात यज्ञ संपन्न हुआ। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिवर्ष पुष्कर में मेला लगता है, जिसे देखने को दूर दूर से देशवासी और अपार संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहां पर बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। गायत्री माता और जगत पिता ब्रह्मा जी का यज्ञ इन्हीं तिथियों में पूरा हुआ था।